सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। जी हां, मकराना के विधायक जाकिर हुसैन की माने तो पोस्ट की वजह से उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। विधायक ने मकराना थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़ा भारी। धमकीबाज ने कहा, अंजाम की कर लो तैयारी। मकराना विधायक को धमकी, हाईवे पर मिला तो हाथ पैर तोड़ देंगे। उसने मेरे साथ में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी और बोले तू नागौर या कहीं हाईवे पे मिलेगा तो मैं तुम्हारे टांगे आगे तोड़ देंगे। मकराना विधायक जाकिर हुसैन कैसावत को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक जाकिर हुसैन के मुताबिक धमकी देने वाला शख्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से इस कदर नाराज था कि फोन पर हाथ पांव तोड़ने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने उसका फोन उठाया तो मैंने कहा बोलिए, वो मेरे से बोले कि आप जाकिर हुसैन मकड़ा एमएलए बोल रहे हो। मैं कहा बोल रहा हूँ तो आपकी क्या है, मतलब रिचपाल मिर्जा के खिलाफ आपने पोस्ट बना दी। मैंने कहा क्या बनाई मैंने पोस्ट, तो उसने मेरे साथ में काली गलौज। मकराना विधायक ने धमकी देने वाले शख्स का नाम राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू बताया है। उम्मीद के मुताबिक पीड़ित विधायक की रिपोर्ट को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। एसपी ने अपने मातहत अधिकारी को जांच का आदेश दिया है। मकराना विधायक महोदय ने एक शिकायत पुलिस थाना मकराना में पेश की है, इस पर मैंने एसएचओ और सीओ को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जांच करके और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। गैसावत के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार जब चुनाव एक रात पहले हमला हुआ था उसमें भी कोई प्रक्रिया कोई मुझे मैरिस्ट नहीं हुए। पंचायत समिति के साधन सभा के अंदर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, उस मामले में भी कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। मकराना विधायक ने धमकी मिलने के बाद मिर्धा परिवार को भी लपेटा है। सूबे की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। जब से ये बीजेपी का राज बना है बहुत से माफिया नागौर जिले के अंदर सक्रिय है। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव जो लोकसभा का आ रहा है, हम सबको इनको सबक सिखाना। एक मकराना विधायक ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो सके। एक मिनट में करूं। तो वहीं डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल में एक ही कुर्सी के दो मालिक हो चुके हैं। अब दो दो मालिक एक ही कुर्सी पर होने की वजह से यह असमंजस है कि आखिर अब प्रशासनिक अस्पताल से संबंधित कार्य किस तरह से होंगे। दरअसल पहले बांगड़ जिला अस्पताल के सीएमएचओ अनिल कुमार जूंदिया इस पद पर थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसफर लिस्ट जारी की जिसमें मौजूदा जिला अस्पताल के पीएमओ धनराज चौधरी का प्रमोशन कर सीएमएचओ बना दिया गया और मौजूदा सीएमएचओ अनिल जूंदिया का डिमोशन कर दिया गया। इसके बाद अनिल कुमार ने कोर्ट से ले लिया और ऐसे में अब धनराज चौधरी सीएमएचओ रहेंगे या फिर अनिल कुमार जूदिया एक बार फिर से सीएमएचओ होंगे, इस पर असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। इस मामले में जब मीडिया ने अनिल जूदिया से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही उन्होंने सीएमएचओ का पदभार ग्रहण किया, जबकि सरकार की ओर से नियुक्त किए गए धनराज चौधरी ने कहा कि वे ही सीएमएचओ हैं। डीडवाना से ये बड़ी खबर, विवाद क्या है जरा समझिए। स्वास्थ्य विभाग ने धनराज चौधरी का प्रमोशन किया और धनराज चौधरी को पीएमओ से प्रमोशन कर सीएमएचओ बना दिया। अनिल जूदिया का स्वास्थ्य विभाग ने डिमोशन कर दिया। डिमोशन के खिलाफ अनिल जूदिया ने कोर्ट से स्टे ले रखा है और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार डीडवाना के सीएमएचओ कौन है। सीएमएचओ पद के ज्वाइन किया था कल, जो पुराने पदस्थापित सीएमएचओ थे वो कोर्ट से स्टे लेके आए, उन्होंने ज्वाइन किया और वो कोर्ट में मामला चल रहा है। आगे जो आदेश होंगे सरकार के वो
सरकार के आदेश से भी मैं सीएमएचओ पद के ज्वाइन किया था। कल जो पुराने प्रतिष्ठापित सीएमएचओ थे वो कोर्स इसके लिए कह रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और वो कोर्ट में मामला चल रहा है, आगे जो आदेश होंगे। तो वहीं झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के गांव में अपनी बहू की उसके ही ससुर ने अस्मत लूट ली। ऐसा आरोप न केवल बहू ने लगाया बल्कि मुकुंदगढ़ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने जांच में एफआईआर लगा दी तो अब एक बार फिर से पीड़िता ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गई है। दरअसल युवती की शादी 2020 में मुकुंदगढ़ इलाके के गाँव में हुई थी और शादी के करीब 13 महीने बाद बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के 1 महीने बाद ही आरोपी ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म किया। परेशान पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। विवाहिता ने ग्रामीणों के साथ नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। मामले की निष्पक्ष जांच के अलावा रहने के लिए घर दिलाने की भी मांग पीड़िता की तरफ से की गई है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मिलीभगत कर उसके दुष्कर्म मामले को झूठा साबित कर दिया, उस पर एफआईआर लगा दी और अब उसे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्टी 12 महीने हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, नहीं मुकुंदगढ़ थाने ने किया, नहीं एसपी साहब ने किया, मैं डीआईजी तक चली गई। क्या कर रहे हैं सब लोग? वो तो डीआईजी साहब ने तो प्रेस लगाया तभी ये मुकदमा दर्ज हुआ था, वरना ऐसा चंद ने कहा कि मैं एफआईआर लगा दूंगा, तू पैसे ले ले, राजीनामा कर ले। उधर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग जाने वाले सड़क मार्ग पर एक बार फिर से बागिन सुल्ताना उसके शावकों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। बागिन सुल्ताना उसके शावकों की कदमताल करने और सड़क पर आ जाने की दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। वन अधिकारियों ने दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया। इसके बाद बागिन और शावकों को जंगल में भेजने के बाद मार्ग को फिर से चालू किया गया। आवागमन शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। रणथंभौर में सुल्ताना के नाम से विख्यात बागिन सुल्ताना T107 रणथंभौर दुर्ग जाने वाले मार्ग पर गोमुखी के पास चहल पहल करते हुए देखी गई। वर्तमान में बागिन के साथ उसके शावक भी हैं। बागिन अपने शावकों के साथ इस मार्ग पर कदमताल करते हुए भगवान गणेश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को लुभा रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारी रास्ते पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की परेशानी बागिन और उसके शावकों को ना हो। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये सब इंस्पेक्टर तैनात है। बड़ी खबर आ रही है एसओजी के खेमे से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। एसआई को हिरासत में लिया गया। सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहा 2014 के बैच का सब इंस्पेक्टर है। 25 मई 2011 में एसआई की परीक्षा हुई थी, डमी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में इसे हिरासत में लिया गया है। तो वहीं सूरजगढ़ के प्राचीन श्याम मंदिर में खाटू श्याम जी में शिखर पर सबसे पहले विराजित होने वाले सूरजगढ़ के 376वें निशान का विधिवत पूजन किया गया है। इस दौरान मंदिर परिसर की नयनाभिराम सजावट की गई, अयोध्या के भगवान श्री राम की झांकी सजाई गई। तो वहीं बाबा श्याम की मूर्ति का फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। श्याम बाबा के गर्भगृह के निकट श्याम बाबा का निशान स्थापित किया गया और मंदिर के महंत जारी लाल के सानिध्य में बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की गई है। इसके बाद बाबा श्याम की आरती की गई। सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से बाबा श्याम के ज्योत के दर्शन किए हैं और मंदिर में जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। आज भारतवर्ष के सर्वप्रथम प्राचीन सूरजगढ़ निशान की स्थापना श्री श्याम प्राचीन मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। पावन सानिध्य स्थापना में भगत जी, मनोहर लाल जी, नथुराम जी, पूर्णमल जी, मोहन लाल जी, निशानदारी सुनील जी, भगत जी, जय सिंह जी, इनका पावन सानिध्य रहा। तो वहीं सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो गया है। बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार की वजह से आज एक दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहे, कल से मेला पूरे परवान पर रहेगा। मेले की व्यवस्थाओं में भी इस बार कई बदलाव किए गए हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र खाटू श्याम में बाबा श्याम का 11 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले का आज दूसरा दिन रहा। मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट। नमस्ते।